लोगों की सिंपति को गेन करने के लिए मैं झूठ बोलता था अगर मैं सच बोलता तो कोई भी मेरी मदद नहीं करता तो इसीलिए मैंने जो है वो झूठ का सहारा लिया थर्ड क्वेश्चन इज अ विलिंग वर्कर डज ही अज्रीज टू चॉप ऑफ फॉर सर जॉय सो इट्स आंसर इज नो ही इज नॉट अ विलिंग वर्कर अल्कोहल हैज अंडरमाइंड हिज स्ट्रेंथ एंड ही हैज नो इंक्लाइनेशन टू डू एनी वर्क ही अग्रीज ंगरी और वर्क बट बिकॉज ही काम करना चाहता था नहीं अपनी खुद की जो भी काबिलियत थी उसने अल्कोहल की वजह से अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से वो सब धीरे धीरे खत्म करता चला जा रहा था और इसी की वजह से जब सरजय ने उसको जो है वो काम ऑफर किया तो उसने मान लिया वो ये नहीं था कि वो भूखा था या वो काम चाहता था बल्कि वो अपने खुद के शब्दों से और अपने खुद की बातों से जो था वो शर्मिंदा हो रहा था इसकी वजह से उसने जो था वो काम एक्सेप्ट कर लिया था फोर्थ क्वेश्चन सेज आई एम हैप्पी दैट वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट वाई से सो इज ही राइट इन से आपको बताना है कि सरजे बोलते हैं कि हाँ मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को मान लिया है और इसकी वजह से तुम जो है वो सही फैसला ले रहे हो So, its answer is Sarjay looked satisfied with the performance of the beggar and felt happy. When Lashkov's job of packing and hauling of the furniture was over, he praised him while handling him a ruble. But he was not right in saying so because Lashkov had not developed the habit of working hard. He was still an idle fellow. Lashkov in the chapter story

डूरिंग दियर कॉन्वर्सेशन लश्फ रिवील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चेंज इन हिम हाउ हेज ओलगा चैप्टर वी नो कि सारे सरजे जो लश्क ऑफ के काम थे वो तो ओलगा कर देती थी ठीक है ना तो वो बोलता है कि मेरे ये पॉजिटिव चेंज का जो मेरे अंदर एक अच्छे बदलाव आया है उसका कारण जो है वो ओलगा है जिसकी वजह से मेरा जो है वो जीवन बदला सो इट्स आंसर इज Sergei lo took Lashkov to his home and gave him the task of chopping wood. He asked Olga, his cook, to take Lashkov to the wood shed and to let him chop wood. When Lashkov becomes a notary and accidentally meets Sergei, he tells him that all that while Olga was the one who chopped wood. She felt pity for Lashkov and did the chopping. Be टने का काम देता है वो अपने कुक ओलगा जो है उसको बोलता है कि इसको वुड शेड में ले जाओ और इसको लकड़ी काटने का काम बता दो बट बत जब लश्क जब उसको नोटरी में मिलता है और सरजे को वो बताता है कि मैं नहीं था जो लकड़ी काटता था वहां पे वो ओलगा थी क्योंकि उसको मेरे ऊपर बहुत दया आती थी तो वो मेरी जगह पे वो खुद ही काम कर देती थी उसकी अच्छाई देखकर मेरे अंदर ये बदलाव आया था और मैंने मेहनत करके कमाना जो है वो शुरू किया था तो इसीलिए वो कहता है कि मेरे ये पॉजिटिव चेंज के रिस्पॉन्सिबल जो है वो सर्जरी की कोक ओलगा है आई होप बच्चों की आपको ये चैप्टर के आंसर समझ में आए हो अगर कोई भी डाउट्स है सजेशन है प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग विद थैंक यू